भोपाल में बोट क्लब पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में अनोखी तिरंगा यात्रा निकाली गई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम की शुरुआत में गुब्बारे उड़ाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया और वाटर स्पोर्ट्स तिरंगा शो के तहत लेक प्रिंसेस क्रूज में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा का अभिवादन भी किया और इसके बाद मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स एकेडमी के खिलाड़ी तिरंगे लेकर स्पोर्ट्स बोट में सवार हुए और तालाब में परेड की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खुद भी नाव पर सवार होकर तिरंगा लहराया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बढ़ाया। देश की शान और हर नागरिक का अभिमान तिरंगा, जिस पर भारतीय नागरिक सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। और शायद यही वजह है कि 9 अगस्त से शुरू हुए तिरंगा अभियान का परवान प्रदेश भर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह लोग तिरंगे के रंग में रंगे हुए हैं। खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने वाटर स्पोर्ट्स तिरंगा शो के अंतर्गत बड़े तालाब पर लेक प्रिंसेस क्रूज में ध्वज अभिवादन किया और तिरंगे की थीम बलून छोड़े। वाटर स्पोर्ट्स खिलाड़ियों द्वारा बड़े तालाब में देशभक्ति की धुनों के बीच तिरंगे के साथ विशेष फॉर्मेशन निर्मित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पूरे जोश के साथ देशभक्ति गीत यह देश है वीर जवानों का गाया। और बड़े तालाब में नावों पर सवार नृतक और नृत्यांगनाओं के गीत की धुन पर नृत्य प्रस्तुत किया। बड़े तालाब में निकाली गई ये तिरंगा यात्रा और भी खास रही क्योंकि ये नावों पर निकाली गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम ने गुब्बारे उड़ाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। यात्रा एक तरह से नावों के ऊपर तिरंगे की जो एक बोट क्लब में कार्यक्रम किया है, उत्साह उमंग और जोश से शराब और पूरा माहौल मेरी अपनी ओर से सबको देशभक्ति के रंग में उज्जैन पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आ रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग उज्जैन द्वारा दशहरा मैदान में टावर चौराहा तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक भी घोड़े पर बैठकर तिरंगा लहराते नजर आए। 15 अगस्त के पहले देश और प्रदेश में देशभक्ति की एक अलग झलक देखने को मिल रही है, जहां देवास में पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी देशभक्ति में नजर आए। तिरंगा अभियान के तहत पुलिस विभाग ने बाइक रैली निकाली। बुधनी की बात करते हैं, जहां हर घर तिरंगा अभियान के तहत नगर 3 किलोमीटर की तिरंगा रैली निकाली गई है। स्कूल के छात्र छात्राओं ने विशेष रूप से कार्यक्रम में हिस्सा लेकर अभियान को सफल बनाया। सिवनी जिले में पुलिस ग्राउंड में आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला प्रशासन सहित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं और आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में मुख्य रूप से जो तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो आकर्षण का केंद्र रहा। हर घर तिरंगा मेरा या सरकारी अधिकारी या जनप्रतिनिधि का नहीं, बल्कि हम सब जन सामान्य का अभियान है और इसमें सबको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। आज़ादी के रंग खाकी के संग एक अभियान प्रारंभ किया है, जिसको कि एक प्रथम कड़ी में आज बाइक रैली थी। जो बच्चे स्काउट गाइड एनसीसी के हैं, वो सभी एक तिरंगा यात्रा पूरे शहर में निकालेंगे। सभी सिवनी वासियों से अनुरोध करूंगी कि अपने घर के ऊपर तिरंगे को अवश्य लगाएं और देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस को धूमधाम से मनाएं। हर घर तिरंगा की लहर इंदौर में भी देखने को मिली, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और स्कूली बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए। तिरंगा यात्रा डीजे, बैंड बाजे, ढोल नगाड़े के साथ निकाली गयी।
तिरंगे के परवान हर किसी पे नजर आया। प्रदेश के कई लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। फिर चाहे स्कूली बच्चे हो, पुलिस प्रशासन हो या फिर धुरंधर, हर कोई तिरंगे के रंग में नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।